आई एम सो सॉरी गाइस, जो मैंने सोचा था कि मैं स्ट्रीक बनाऊंगा 30 दिन तक, वो टूट गई। बिकॉज जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग घर शिफ्ट करने वाले, क्योंकि वाले घर को मेंटेनेंस की जरूरत है। तो कल के दिन पूरा शिफ्टिंग में निकल गया। मैं सोच रहा था कि यार जल्दी से इसको निपटा के मैं वापस कुछ ना कुछ पढ़ लूं, पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मैंने कल भी कोशिश करी थी व्लॉगिंग करने की, पर मैं अच्छे से कर नहीं पाया था। तो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए थे, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पैकिंग करने का एक बहुत अच्छा फायदा है यार, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। और अगर मैं अपने बोर्डिंग स्कूल की एक बात बताऊं, तो ये जो शर्ट पहना है मेरा दोस्त, ये मेरी शर्ट है, और ये जो मैं पहना हूँ ये किसी और की है। तो चलो मैं तुम्हें अपने कैलेंडर में ले चलता हूँ और बताता हूँ कि एक दिन डिसिप्लिन ना फॉलो करने की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। तो 9 जुलाई को स्ट्रीक टूटी थी मेरी शिफ्टिंग के कारण, और अगर ये स्ट्रीक नहीं टूटी होती तो मेरा 2 अगस्त को 30 डे चैलेंज कम्प्लीट हो जाता। पर ये एक दिन के कारण मेरे 2 दिन का नुकसान हुआ है, और अब 4 अगस्त को होगा मेरा गोल कंप्लीट। तो चलो ये भी मान लेते हैं कि ये जो 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट बनाया है, ये मैंने खुद के लिए बनाया है कि अगर मैंने एक दिन अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा तो मेरे को उसको बैलेंस करने के लिए 2 दिन लगेंगे। पर रियलिटी तो ये है ही ना कि मेरा एक दिन का नुकसान हो गया है। अगर मैं एकदम सीधा पॉइंट पे आऊं और ये समझाऊं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो वो ये होगा कि इफ यू डोंट वर्क टुवर्ड्स योर गोल फॉर 1 डे, यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम योर गोल। अब तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच की दूरी बढ़ चुकी है, पर कोई ना, प्रोसेस का पार्ट है भी। तो चलो अभी मजाक की बात बंद करते हैं और काम पे आते हैं। सिद्धार्थ वरिया की एक वीडियो है प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स इन 15 मिनट्स। अब लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए हैक्स ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग। और मैंने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। तो आज की बुक रीडिंग तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो गाइस इससे मिलो, ये है मेरी मोहन प्यारी। और थोड़े टाइम पहले मैं अपनी मोहन प्यारी को ले गया था इंदौर मेरे साथ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बाइक की जरूरत हुआ करती थी। तो आज वो वापस आ गई थी इंदौर से, तो मेरे को लेने जाना पड़ा रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन गया, फिर मेरे को याद आया कि बाइक में पेट्रोल तो होता नहीं है, पूरी बाइक का पेट्रोल खाली करना पड़ता है बुक करने से पहले। तो मैं फिर पेट्रोल लेने गया, एक बॉटल ढूंढी उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद उस बॉटल में पेट्रोल डलवा के फिर रेलवे स्टेशन गया, फिर वहाँ से बाइक बुक करी, फिर मैं वापस घर आया हूँ। तो इतने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 घंटे वेस्ट हुए मेरे, ज़्यादा नहीं। शायद दिखेगा नहीं तुम लोग, क्योंकि मेरा मार्कर खत्म होने वाला है, पर अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो मैं 3:30 से 4:30 मैंने डिसाइड करा था कि मैं बुक रीडिंग करूँगा, और अभी हो रहे हैं 5:30। तो अभी मैं वही ग्लोबल मार्केट वाले चैप्टर में हूँ, जिसमें बता रहे हैं कि इंटरनेशनल में बिजनेस करने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भी ये बता रहे हैं कि जब भी तुम कोई देश में जा रहे हो तो उसके कल्चर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि तुम कम्युनिकेट कुछ और करना चाहते हो और वो परसीव कुछ और कर लेते हैं, और इसी कारण से बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी चीजें हो रखी हैं। जैसे कि एक बार फ्रांस में हुआ था कि एक सोप मेकिंग कंपनी थी, उसने एक ऐड चलाया और उसमें ये क्लेम करा कि ये गंदे से गंदा पार्ट भी साफ कर देगा, पर फ्रांस के लोगों ने ये परसीव करा कि ये प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रहा है। और स्वीडन में सेक्सिस्ट ऐड आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, कि जैसे कोई आपने एक फेस वॉश लाया उसमें बोला कि ये मर्दों के लिए है, ऐसा आप वहाँ पे स्वीडन में नहीं कर सकते हो। और इसराइल में तो अंडरवेट मॉडल्स को ही बैन कर दिया है। तो आज करेंगे साइड स्प्लिट की प्रैक्टिस। सब हो गया और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई। तो आज के डिजिटल मार्केटिंग के असाइनमेंट के लिए मेरे को मार्केट रिसर्च करना था, और इसी मार्केट रिसर्च के लिए मैंने ये फॉर्म क्रिएट करा है फिटनेस से रिलेटेड, और ये सर्वे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार प्लीज ये वीडियो देखने के बाद अपना 1 मिनट निकालना और इस सर्वे को प्लीज फिल कर देना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग तो हो गया, अभी बचा है ग्राफिक डिजाइन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं करने वाला हूँ। आज का स्टार्टअप का नहीं हो पाया क्योंकि यू नो जाना पड़ा था मेरे को एंड ऑल स्टफ, और मेरे को बहुत लपक के नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मेरे कॉलेज का असाइनमेंट मेरे को करना था। कॉलेज अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्यों बीच बीच में असाइनमेंट दे दे के उंगली करते रहते हैं लोग। कॉलेज के साथ साइड हसल करते हैं, पर मेरा कॉलेज ही मेरा साइड हसल है। नहीं आई मीन साइड हसल जितनी वैल्यू भी नहीं देता हूँ मैं उसको। तो चलो आज देखते हैं दीदी क्या सिखाने वाली है, और ये भी देख लेते हैं कि अभी तक कितना हुआ है, मेरे 35 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं आज 11 बजे तक कितनी हो जाती है कंप्लीट। तो ये जो 4th सेक्शन है द वेरी बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप, ये आज कंप्लीट हुआ।
तो देखते हैं कितनी वीडियोस हुई हैं। तो 38 वीडियोस आज कंप्लीट हो गई हैं और मैंने आज कुछ प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। ये कुछ मैंने बनाया है एंड ऐसा भी मैंने कुछ बनाया है। तो यार मैं फोटोशॉप में नया तो नहीं हूँ पर आई डोंट नो व्हाई आई स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक एनीथिंग। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करना है। मेरे को मालूम तो पड़े कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है कि आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।